कलकत्ता का दुर्गा पूजा खत्म हो चुका है, नेटे 12 साल का काली पूजा बस आने वाला है और उसके ख़त्म होने के साथ ही आप स्टार्ट कर दोगे सर्चिंग करना चंदन नगर की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध या फेमस जगधात्री पूजा पंडालों और वहाँ टॉप ऐसी मूर्तियाँ जिसे आप मिस नहीं करना चाहोगे। चंदन नगर की ऐसी टॉप 5 जगदात्री माँ की मूर्तियाँ या पांडालें जिसे आप आज मिस नहीं करना चाहोगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसी मूर्तियों के बारे में बताने वाला हूँ जो चंदन नगर में इस बार टॉप होने वाली है और आप उसे मिस नहीं करना चाहोगे। हेलो, वेलकम बैक, नमस्कार और जय श्री राम। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं आप लोगों को आज लेके चलता हूँ चंदन नगर, जहाँ की कुछ टॉप मूर्तियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ जगधात्री माँ के। आज की इस वीडियो की टॉप 5 जगधात्री पूजा की मूर्तियाँ या कमेटियों में से हमारा जो 5वें नंबर का मूर्ति का कमेटी है वो है फाटबुड़ा सार्वजनिक जगधात्री पूजा। जी हाँ, ये वीडियो आप देखो और वीडियो से समझो यहाँ किस तरीके से भव्य तरीके से यहाँ की मूर्ति को तैयार किया जा रहा है। पंडालों में से जो हमारा 4th नंबर वाला पंडाल का जो या मूर्ति का जो कमेटी है वो है मध्यांचल सार्वजनिक जगधात्री पूजा। जी हाँ, ये पंडाल या ये मूर्ति देखने लायक होने वाली है। एंड अगर अब हम बात करें हमारे तीसरे सबसे टॉप मूर्ति की तो वो है बाग बाजार सार्वजनिक जगधात्री पूजा कमेटी के द्वारा बनाया जाने वाला मूर्ति, जिसे आप अभी अपने स्क्रीन पर देखोगे। Thank you.
टॉप 5 पंडालों में से बात करें अगर हमारे बच्चे 2 पंडालों की कमेटियों की, तो उसमें से हमारा दूसरा नंबर वाला पंडाल का कमेटी है विद्यालांकर सार्वजनिक जगधात्री पूजा कमेटी। अच्छा मूर्ति बनाया जा रहा है और तैयार किया जा रहा है, आप इसे जरूर देखें।